मुट्ठी मार मार के थक गए, बॉडी में ना बची जान। फिर कहते हैं साइंस कहती है मुट्ठी मारने से कुछ नहीं होता, फिर क्यों काट रहे हो दवाइयों के चक्कर, फिर क्यों ढूंढते फिर रहे हो हकीम, क्यों ढूंढते फिर रहे हो डॉक्टर, अब सोच रहे हो क्या करूं मैं, सब कुछ तो चला गया। मेरे भाई मैं उन पेरेंट्स के लिए कहना चाहता हूं जिनके बच्चे 12 साल के हो चुके हैं, 10 साल के हो चुके हैं, उन पर निगरानी रखना स्टार्ट कर दो, उनको अपना दोस्त बना लो। अगर आप अपने बेटे की जिंदगी चाहते हैं तो उनको दोस्त बना लो, उनसे हर बात शेयर करो। 20 साल की उम्र से पहले अगर कोई बॉडी से अपना वीर्य निकालेगा तो भाई उसको दवाई खानी ही पड़ेगी अगर उसको जीना है ढंग से। आई बात समझ में? अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी ताकतवर रहे तो 20 साल तक वीर्य ना निकले बॉडी से, ये ध्यान रख लो, ठीक है? कैसे? वीर्य अगर एक बार तुमने निकाल दिया तो वो फिर खुद निकलना स्टार्ट हो जाएगा, वो नाइट फेल की शक्ल में निकले, दांत की शक्ल में निकले। आई बात समझ में? जो लोग कहते हैं ना दांत आ रही है, वो दांत वात नहीं होती, वो वीर्य होता है। तुम्हारी नसें डैमेज हो जाती है, जब नस बंदे की डैमेज हो जाती है वीर्य पतला हो जाता ना, फिर वो निकलने लगता है, या वो पेशाब से पहले निकले या पेशाब के बाद निकले। फिर बंदे कहते हैं मुझे दांत आ रही है, वो दांत नहीं होती मेरे भाई, वो नसें डैमेज हो जाती हैं, वीर्य हो जाता पतला। आई बात समझ में? तो कोशिश करो 20 साल तक, 20-22 साल की उम्र तक बॉडी से वीर्य ना निकले। अगर आप चाहते हैं कंडीशन आपकी ठीक रहे, आप अच्छी लाइफ जियो, तो वीर्य ना निकले ये कोशिश करो। और पेरेंट्स का खास करके इसमें बड़ा रोल होता है, अगर पेरेंट्स ध्यान रखेंगे तो बच्चा नहीं बिगड़ेगा, अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चा तो बिगड़ जाएगा। आई बात समझ? क्योंकि फोन है मैंची, बंदा सर्च करता है, देखने लगता है, मजा इतना इस चीज में, बहुत मजा है, बंदा मजा ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जो ये मजा पहले ढूंढ लेता है ना कच्ची उम्र में, उसके बाद में मजा नहीं ले पाता, बेकार हो जाता है। और अगर कोई भाई बेकार हो चुका है उसको ये बात समझ में आ जाएगी मेरी अच्छी तरीके से कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उसने गलती कर ली है, बेकार हो गया, तो उसके समझ में आएगी अब ये बात कि ना करता वो कोशिश। आई समझ में? जरूरी नहीं है मुट्ठी मार के निकालो तुम कच्ची उम्र में, लेडीज के साथ भी, अगर लेडीज के साथ कर रहे हो कच्ची उम्र में तो भी आप बेकार हो जाओगे 20 साल की उम्र से पहले अगर ये काम करोगे तो। समझ गया बात मेरी? नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, जब तुम खराब हो जाओगे ना जब समझ में आ जाएगी मेरी बात, ठीक है? और जब समझ में आ जाए तो मुझे फॉलो कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना उन भाइयों के लिए जिनकी लाइफ बच जाए, ठीक है? आपकी तो बिगड़ गई, अगर किसी का भला चाहते हो तो वीडियो शेयर कर दो भाई के लिए, जो लोग पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते उनके लिए भेज दो वीडियो। और जो भाई दवाई लेना चाहते हैं, परेशान हो गए आप किसी काम के नहीं बचे, तो मुझसे कॉन्टेक्ट करो, इंशाल्लाह कोशिश करो। मैं वैसे कॉल करोगे तो मुश्किल है उठा लूं, अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो रिप्लाई मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं ठीक होना एकदम, तो मैं गारंटी के साथ इलाज करता हूं, 2 महीने का कोर्स है, ज़्यादा कोर्स नहीं है, ठीक है? और 1 महीने का खर्चा सिर्फ 6,000 रुपये का, ज़्यादा भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ठीक होना, और अगर आप किसी वजह से मेरे से दवाई खा रहे हैं और ठीक नहीं हुए, तो मैं जिंदगी भर जब तक आपको ठीक नहीं कर देता ना फ्री इलाज करूंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा, ठीक है? ये मेरी गारंटी है, कभी नहीं बदलेगी इंशाल्लाह जब तक जिंदा रहूंगा, ठीक है?